बच्चों के ड्रेसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं, उनको देखते हुए मैंने आज एक गाउन बनाई है जिसके लिए मैंने नेट का कपड़ा लिया है और साटन का। तो सबसे पहले मैंने जो साटन का कपड़ा लिया है उसमें हम फ्रीजिंग पेपर लगा देंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और फिटिंग भी अच्छी रहती है, क्योंकि साटन का कपड़ा काफ़ी लूज़ होता है तो इससे टाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, इसको अच्छे से चिपका लेंगे। और जो ये कपड़ा लिया है वो मैंने 10 इंच लंबाई का लिया है और इसकी चौड़ाई 42 है, तो इसको 4 वृत्त में फोल्ड करके हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने जो मेजरमेंट लिया है वो 1 ईयर बेबी का है, तो उसका जो मेजरमेंट है वो 20 इंच उसकी मोटाई है और जो लंबाई है बॉडी पार्ट की वो 10 इंच है। तो यहाँ मैंने 5 इंच ले लिया है, उसका चौथा भाग 5 इंच होता है और 2 प्लस मैंने मार्जिन ऐड कर दिया है। ऊपर की तरफ हम स्ट्रिप लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ शोल्डर 3 इंच लिया है और आर्मोल 3.5, और इनको मिला लेंगे और यहाँ पर 1 इंच की गोलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पे नेक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है और फिर नेक बनाया है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच छोड़ा है, वहाँ पे स्ट्रिप आएगी तो इस अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। आगे पीछे मैंने दोनों तरफ सेम ही रखा है। यहाँ पे 3 इंच पे डार्ट डालेंगे दोनों तरफ, लंबाई भी 3 इंच ही लेंगे। अब सबसे पहले हम एक नेट का कपड़ा लेंगे और जो हमने कटिंग किया है साटन का कपड़ा उसके ऊपर फ्रिल लगाते जाएंगे। प्लेट्स बिल्कुल सीधी डालनी है, क्योंकि हमें पूरी कुर्ती में इसी की डिज़ाइन करनी है, तो इसको जमाते हुए पूरे में डाल लेनी है। तो ये पूरे में डल चुकी है। अब ऊपर की तरफ हम एक मोटी सिलाई कर देंगे सब प्लेट्स को सेट करते हुए। अब थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे और जिस अकॉर्डिंग हमने जो बॉडी शेप दी है उस पर सिलाई कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है गाउन का। अब यहाँ पे डार्ट लगा लेंगे, जो हमने 3 इंच चौड़ाई पे 3 इंच लंबाई की डार्ट डालनी है। ये बैक पार्ट है, यहाँ पर मैंने नेट का और साटन का कॉटन का कपड़ा लिया है, इसके हम अंदर की सिलाई करेंगे और जो स्ट्रिप है उसको अंदर लगाते हुए सिलाई कर लेंगे। कपड़ा मैंने सबसे पहले साटन का रखा है, फिर उसके ऊपर नीट का और उसके ऊपर कॉटन का। दोनों जगह मैंने डोरी लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है।
जैसे हमने फ्रंट में डार्ट डाली थी वैसे ही हम बैक में भी डार्ट डाल देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम जो फ्रंट पार्ट रेडी किए थे उसके ऊपर स्ट्रिप को रखेंगे और इसके ऊपर कॉटन का अस्तर रख देंगे। और सिलाई कर लेंगे। सिलाई ध्यान रहे ज़्यादा नहीं दबाना है, एक बूट की ही सिलाई करनी है। अगर अंदर की कोई भी हम सिलाई करते हैं तो वो एक बूट की ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, फोल्ड होने में थोड़ा इजी रहता है। ये कच्ची सिलाई है जो हमने पहले लगाई है, उसको खोल लेंगे क्योंकि अब हम एक साइड फिटिंग करेंगे। तो यहाँ एक साइड मैंने फिटिंग कर ली है, आपको दिखा देती हूँ। और दूसरे साइड हम यहाँ पे चेन लगाएंगे। तो अब हम ये अपर पार्ट रेडी हो गया है, अब हम जो नीचे का घेर है उसको रेडी करेंगे। तो ये अस्तर है, अस्तर के ऊपर मैंने डबल अम्ब्रेला में नेट को कट किया है और उस नेट पे हम फ्रिल लगाएंगे। तो नेट की ही फ्रिल लगाएंगे हम। इस अकॉर्डिंग इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे। तो यहाँ मैंने फ्रिल को रेडी कर लिया है और इस अकॉर्डिंग इसकी सिलाई कर लेंगे। इस अकॉर्डिंग जो हमारा घेर है वो यहाँ रेडी हो गया है। अब हम इसके अस्तर लगा देंगे। तो यहाँ मैंने अस्तर लगा दिया है और जो बॉडी पार्ट जो हमने रेडी किया है वहाँ इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पूरा गाउन रेडी हो गया है और हम जो ये मोती है वो स्ट्रिप पे लगाएंगे। तो यहाँ आपको कैसा लगा ये, या इस जगह कुछ और लगा सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी गाउन यहाँ पर रेडी हो गई है और इसको थोड़ा सा एक फैंसी लुक देने के लिए हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे, वो भी नेट के। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 3 इंच की नेट की जो पट्टी है वो मैंने यहाँ कट कर ली है। और इसमें 1/2 इंच की प्लेट्स डालते जाएंगे। आधा इंच की दूरी पे 1/2 इंच की प्लेट्स लगाएंगे और ऐसे ही हमें 3 पार्ट रेडी करने, क्योंकि हमें यहाँ पे नेट के 3 फ्लावर बनाने हैं। अगर फ्लावर की जगह आपको कुछ बेस्ट लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना, वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ रेडी हो गया है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे फ्लावर। तो सबसे पहले इसको लेंगे और गोलाई में घुमाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। हमारे यहाँ फ्लावर बहुत ही इजी तरीके से बन गया है और नीचे से इसकी अच्छे से सिलाई कर लेंगे।
फ्लावर और बना के मैं बता देती हूँ। इसको गोलाई में लेते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे। तो यहाँ हमारी गाउन कंप्लीट होती है। तो आपको ये गाउन कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।